इतना खाता हूं, जाता कहां है, कुछ खा पी लिया कर, नहीं तो उड़ जाएंगे। काश मेरे जीन्स भी ऐसे होते। मैं एक्टोमोर्फ हूं ना, इसलिए यार मेरे मोटर मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, इसलिए काफी लोग अपने जीन्स और अपने मेटाबॉलिज्म को ब्लेम करते हैं कि मेरा वेट गेन नहीं हो पा रहा है। मानता हूं कि ये कारण है, लेकिन इसके अलावा भी और भी कारण है जिसके कारण है कि आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको किस वो क्या कौन से कारण है जिसके कारण आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और साथ में ऐसे कौन सी चीज है जो कर आप इजिली अपने वेट गेन की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने YouTube चैनल जोगिंदर कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जैसे कि कैमरे को सपोर्ट करने के लिए एक ट्राइपॉड की आवश्यकता होती है, और ट्राइपॉड के टोटल 3 लेग होते हैं, उसी प्रकार से जब आप वेट गेन की जर्नी शुरू करते हैं तो उसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, यानी कि पहला आपका न्यूट्रिशन यानी कि डाइट, दूसरा आपका होता है वर्कआउट, और तीसरा होता है आपका स्लीप या रिकवरी। तो इसी के ऊपर आपका ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा, जिससे कि आपको इजिली आपको जो है बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेट गेन के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले बात आती है कैलोरी सरप्लस में, ये यूनिवर्सल नियम है। अगर आप ज्यादा खाएंगे तभी आपका वेट गेन होगा, कम खाकर आप वेट गेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपको कितना कैलोरी चाहिए, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, जितना खाने पर आप अपने आइडियल वेट पर कायम रहेंगे। तो इसके लिए आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे टाइप कीजिएगा TDEE, ये जो वेबसाइट आएगी इसके अंदर आप जाकर अपना वेट, हाइट और एज जैसे डालेंगे तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगी। जितनी भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आती है, अगर 2000 मेंटेनेंस कैलोरी आ रही है तो उसके अंदर आपको 500 कैलोरी सरप्लस जाना रहेगा। अब दोस्तों 500 कैलोरी आपको सरप्लस जाना रहेगा। आपने काफी वीडियोस देखे होंगे और आपने कोशिश भी किया होगा, मैंने भी काफी दोस्तों को सजेस्ट किया था, उसमें उनके बाद में उन्होंने क्या करते हैं कि 1 वीक या 2 वीक उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद में वो उससे हार मान लेते हैं। दोस्तों देखिए, वेट गेन जो जर्नी है 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, आपको लगातार प्रयास करना रहेगा। मिनिमम कम से कम आपको 3 महीने का टाइम देना होगा, 3 महीने के अंदर डेफिनेटली आपका इजिली 8 से 10 केजी वेट आपका गेन हो जाएगा। जैसे ही आपने पता कर लिया आपको मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, 500 कैलोरी आपको सरप्लस में जाना रहेगा। अब दूसरी बात आती है ट्रैक, अब आपको कैलोरी को ट्रैक करना पड़ेगा। आप जो भी खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, एक्चुअली आप उस कैलोरी को सरप्लस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो आपको चेक करना रहेगा। तो आजकल बहुत सारी फ्री वेब एप्लीकेशन है जिससे आप कर सकते हैं, एक हेल्दी फ्लाई मी है, आप उसमें जाकर अपना डिटेल डाल दीजिएगा और उसके बाद में जो भी आप खा रहे हैं और उसको कैलोरी को ट्रैक कर सकते हैं कि इजीली आप अपनी 500 कैलोरी सरप्लस में जा पा रहे हैं या नहीं। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि कैलोरी सरप्लस में हम क्या क्या चीज खाएं, न्यूट्रिशन में हम क्या चीज लें, एक परफेक्ट डाइट प्लान की बस आपने जो बता दिया मैं वही खाऊंगा। दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे आप कोई डाइट प्लान लेते हैं तो वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब आप इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको आपका जो घर का बना हुआ है आप उसको खाइए, उसके अंदर आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आप इजीली अपना 500 कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं, 2 स्पून पीनट बटर जो आपको 200 रुपये केजी अमेजोन पर मिल जाएगा। उसके बाद में आप वॉलनट ले सकते हैं, खाने के अंदर आप राइस ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आप बॉयल आलू के साथ दही या फिर स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा सोर्स है कैलोरी सरप्लस में जाने के लिए, क्योंकि इन ये जो मैंने आपको फूड बताए उनकी जो कैलोरी सरप्लस में जाने का बहुत आसान तरीका है, जिससे कि आप अपने 500 कैलोरी इजीली पूरा कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज हैं तो आप एक ले सकते हैं, टोटल 5 एग ले सकते हैं, 3 होल ले लीजिएगा, 2 से 3 होल, बाकी आप वाइट एग ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पर डे 100 ग्राम पनीर ले सकते हैं, अगर आप पनीर नहीं ले सकते पर डे तो दूध दलिया एक चीप सस्ता और टिकाऊ प्रोडक्ट है जिसको आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। दूध दलिया एक बेहतर चीज है तो दूध दलिया आप ले सकते हैं, दूध दलिया के अंदर आप चाहें तो डेली 1 या 2 केले भी ऐड कर लीजिए। डेफिनेटली आप इन जो है डाइट को अगर आप अपने डाइट प्लान में शेड्यूल करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है 500 कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे और इजीली आपका वेट गेन होने लगेगा। अब दोस्तों अगर आपके घर में वेट मशीन है तो एवरीडे अगर आप चाहें तो वेट को जो है काउंट कर सकते हैं कि आपका वेट गेन हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप लगातार अगर आप चेक करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैलोरी सरप्लस में भी जा रहा हूँ प्लस जो है उसके बाद भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आपका कैलोरी सरप्लस में जाने के बाद भी वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी, जिस प्रकार से मोटापा आता है, शरीर में मोटापा आता है तो साथ में बीमारी भी लाता है, उसी प्रकार से अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं और वो आपके शरीर में नहीं लग रहा है और आप पतले ही रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप किसी बीमारी हो, यानी कि आपका डाइजेशन इशू हो या फिर और भी बहुत सारी ऐसी बीमारीज हैं, तो उसके लिए आपको पास एक बार डॉक्टर को सलाह जरूर ले लीजिएगा कि आपने ये सब चीज़ फॉलो किया लेकिन फिर भी अगर आपका वेट नहीं गेन हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं।
अब काफ़ी मेरे दोस्तों का मैसेज आता है, सर मुझे तो भूख ही नहीं लग रहा है। तो उसके लिए आप एक घरेलू नुस्खा है जो मैंने भी आजमाया है और काफ़ी लोगों को सजेस्ट भी किया है, आप खाना खाने से आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले एक अदरक का टुकड़ा लीजिए, उस पर थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए और उसको चबा चबा कर खा लीजिए। 40 मिनट के बाद जब आप खाना खाने शुरू करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको भूख लगेगी लगेगी, आप इजीली आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि अब काफ़ी दोस्त मेरे पास मैसेज करते हैं, सर मैं पेट भर के खा तो लेता हूँ लेकिन उसके बाद में मेरे ब्लोटिंग हो जाता है, पेट एकदम भारी भारी लगता है, गैस बनने लगती है। तो अगर ये हो रहा है तो उसका भी अपने पास एक घरेलू नुस्खा है, काफ़ी मैंने भी अजमाया है, आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं। अजवाइन अब हमारे घर में होती है, अजवाइन लेकर उसमें गर्म पानी में डालकर उसको बॉईल कर लेना है, उसके बाद में छान के आप अपने खाना खाने के 20 से 30 मिनट के बाद में आप उसको पी लीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगी। देखिए ये तो हमारा न्यूट्रिशन और डाइट के लिए मैंने आपको बता दिया, इसको आपको परफेक्ट फॉलो करना पड़ेगा तभी आपका जो है वेट गेन की जर्नी पूरी हो पाएगी। अब सेकेंड हमारा क्या लेग है, सेकेंड लेग आता है हमारा वर्कआउट। अब दोस्तों अभी जिम में जाके आपको दो दो तीन तीन घंटे तक वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको अवॉइड क्या करना है, अवॉइड आपको करना है कार्डियो। कार्डियो वर्कआउट के अंदर क्या आता है, जैसे साइकिलिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, आपको रनिंग हो गया, फिर उसके बाद में ऐसी कोई ट्रेनिंग कर रहे हो जिसके अंदर कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा हो रही है तो उसको आपको अवॉइड करना है, यानी बंद नहीं करना है, बट आप अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको ज़्यादा अपने स्पोर्ट्स के अगर वेट भी गेन करना है तो आपको जो है कार्डियो को छोड़कर आप वेट ट्रेनिंग को फोकस कर सकते हैं। अभी वेट ट्रेनिंग आपको एक दिन में कितना करना है, आप 45 मिनट का इंटेंस वर्कआउट कीजिए, इंटेंस मतलब दिल से अगर 45 मिनट का वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। देखिए आपने वेट गेन करने के लिए आप डाइट अच्छा ले रहे हैं, अब उसके साथ अगर वेट ट्रेनिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका बढ़िया मसल बनकर आएगा एकदम मजबूत। तो दोस्तों आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा, ये हमारा दूसरा पायदान हो गया, दूसरा लेग हो गया। इसके अंदर आपको वर्कआउट करना है, वर्कआउट कौन सा करना, अवॉइड करना है कार्डियो को अवॉइड करना है और वेट ट्रेनिंग पर फोकस करना है। दो से तीन घंटे लगातार जिम में जाकर पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, आप 45 मिनट का इंटेंस वर्कआउट कीजिए, बढ़िया से मसल को टारगेट कीजिए, उसके बाद आपका हो गया। तो दोस्तों जैसे कि हमने दो पायदान पूरे कर लिए हैं, दोस्तों याद रखिएगा हार्ड वर्क बहुत ही जरूरी है लेकिन उसके साथ अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों हमारा तीसरा पैर क्या है, रिकवरी या फिर स्लीप। रिकवरी और स्लीप, देखिए दोस्तों एक बहुत सारी रिसर्च के अंदर पाया गया है जो तीसरा लेग है हमारा स्लीप या रिकवरी। इसके लिए आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे की बेहतर नींद की आवश्यकता रहती है, तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी जरूरी है जिससे कि आपका वेट जर्नी बहुत इजीली अचीव कर सको। एक रिकवरी आती है फिजियोलॉजिकल रिकवरी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल रिकवरी का मतलब होता है कि फास्ट रिकवरी जो आपके वेट गेन और प्लस मसल बिल्ड के लिए जरूरी है। तो काफी रिसर्च के अंदर पाया गया है कि हमारा बॉडी फिजियोलॉजिकल रिकवरी कब करता है, रात को 10 बजे से रात को 2 बजे के बीच में। तो डेफिनेटली आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ज़्यादा मोबाइल ना चलाएं, फोन ना चलाएं और अपने टाइम से पहले ही स्लीप में चले जाएं। और ये जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है जिसमें हमारा फिजियोलॉजिकल रिकवरी टाइम पीरियड है 10 बजे से रात को 2 बजे का, इसमें डेफिनेटली आप नींद पूरी भरपूर लीजिए जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। और हमें अवॉइड क्या करना है, जैसे कि ओवर थिंकिंग हो गया, स्ट्रेस ये नहीं लेना है। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के कारण भी हमारा वेट गेन की जो जर्नी है उसमें थोड़ी कुछ तकलीफें पड़ती हैं या फिर हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वेट गेन की जर्नी में सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक छूट गया हो या फिर कोई ऐसी बात आपके मन में हो या फिर ऐसा कोई सवाल हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का जवाब देने की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि भविष्य में आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत।